देखिए शादी ब्याह जो नहीं करता है एक भी एक बात तो रियली है वो शादी शुदा से ज्यादा वर्क कर लेता है एकदम आराम से बन बिलार की तरह घूमते रहते हैं लोग कोई रोकता है आपको शादी करने के बाद इनको समझ में आया नहीं करने लगता था हाँ शादी करने के बाद इन्हें लगा कि नहीं ब्रह्म देखिए शादी ब्याह जो नहीं करता है एक भी एक बात तो रियली है वो शादी से ज्यादा वर्क कर लेता है रीजन क्या है उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है उसके ऊपर एकदम कम रहेगी लेकिन शादीशुदा होने के बाद एक घर की रिस्पांसिबिलिटी बाल बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो ये रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा तो वर्क पे ध्यान देगा आप लोग का अब जैसे आप लोग का ब्याह शादी हुआ नहीं है आप लोग का तो आप लोग एकदम छुट्टा साढ़ की तरह समझ संग नहीं गया एकदम आराम से बन बिलार की तरह घूमते रहते हैं लोग कोई रोकता आपको

वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिए कितने वर्ष की आयु में तीस पत्नी चिल्लाते रह गई कहाँ जा रहे हैं तीस वर्ष आयु समझते हैं हमरा से छोट उम्र में बारह साल हमरा से छोट उम्र में घर दुआर क्या कर दिए छोड़ दिए कौन महावीर स्वामी कौन छोड़ दिए महावीर स्वी तीस वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए और लग गए तपस्या में और 12 वर्ष तक इधर उधर जंगल वंगल में भटकते भटकते तब तो जाके इन्हें ज्ञान मिला किस कहा कुंड पे ज्ञान मिला इसमें रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष पर के ग्राम में किस जगह पे जाम के ग्राम में किस ग्राम में जाम्बी कौन सी नदी रिजू रिजू पालिका नदी कौन सी नदी किनारे रिजु कौन से वृक्ष के नीचे साल वृक्ष के नीचे साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या प्राप्त हो गया ज्ञान ज्ञान को क्या कहते हैं मोक्ष मोक्ष या या कैवल्य कैवल्य कै प्राप्त हो गया क्या प्राप्त 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 हो 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 गया अब प्राप्त हो गया गया कैवल्य अब ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा ये क्या देने लगे उपदेश अतः ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया वर्धमान और जीन मतलब सुख दुख पर विजय प्राप्त करने वाला सुख दुख पर विजय प्राप्त करने वाला साधु संत जब भी जब साधु बनता है सबन जब ये लोग साधु बनते हैं तो इन लोग की सबसे बड़ी की तपस्या होती है जब घर द्वार से जब छोड़ छाड़ के जब साधु बन जाते हैं तो इनको सबसे बड़ी की तपस्या होती है कि साधु का रूप लेके अपने घर से दक्षिणा लेके आना और खतरनाक होता है बताइए घर वाला जाने नहीं देता है नहीं साधु बनने कोई जल्दी चाहता नहीं है कि कोई साधु बने कोई नहीं चाहता है कि उसका बेटा बेटी क्या जल्दी, जल्दी साधु बने यहाँ पर बहुत कठोर जीवन होता है साधु का आगे बढ़ जाए किसी को दिक्कत नहीं है क्या प्राप्ति तक समझ में आ गया तीस वर्ष की आयु में क्या मिला घर कितने वर्ष की आयु पे छोड़े कितने वर्ष तपस्या बारह वर्ष तपस्या किया, इनको क्या मिल गया ज्ञान अब ये क्या देने लगे उपदेश